दोस्तों, इस शुक्रवार फिल्म रिलीज हो रही है डी डे, और आज हमारे स्टूडियो में डी डे के तीन प्रोड्यूसर्स हैं। एक्चुअली प्रोड्यूसर डायरेक्टर निखिल अडवाणी एंड प्रोड्यूसर्स मधु भोजवानी एंड विवेक रंगाचारी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वेलकम देम। वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। मैं एक्चुअली डरा हुआ था अडवाणी भोजवानी, मैंने सोचा रंगलानी बोल दूंगा मगर आई गॉट इट राइट। निखिल जी, आपसे शुरू करते हैं। आपने जो पहले फिल्में बनाई हैं उससे बिल्कुल अलग ये फिल्म लगती है डी डे। जनरली डायरेक्टर्स डोंट चेंज ट्रैक्स सो इजिली। जिस स्फीयर में वो कंफर्टेबल है उसी किस्म की फिल्में बनाते हैं, जनरली ऐसा देखा गया है। आपने कैसे सोचा कि कुछ एकदम ही हट के फिल्म बनाई जाए? क्या है कि कोमल नाहटा ने मेरी फिल्म्स की मतलब इतनी मतलब he has praised my films, past films so much, कि मुझे लगा कि मुझे यार कुछ अलग करना चाहिए। नहीं, मैंने बुराई सिर्फ आपकी चांदनी चौक टू चाइना की थी, उसकी बहुत बुराई की थी, बाकी एंड यू आर राइट, यू शुड हैव डन बुराई और चांदनी चोटी चाइना। मैंने हमेशा कहा है कि चांदनी चोटी चाइना का प्रॉब्लम यह था कि मैंने डायरेक्ट किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वही फिल्म आज उसी कास्ट के साथ उसी प्रेमाइस पे अगर प्रभु देवा बनाते हैं तो ब्लॉक तो शायद चल जाती। एग्जैक्टली ब्लॉकबस्टर। एग्जैक्टली, तो क्योंकि मतलब अक्षय कुमार डूइंग कुंग फू इज गिवन, माइंड ब्लोइंग। बट कोमल, तो आपके जो क्वेश्चन है, मैंने इसके पहले फिल्म बनाई थी दिल्ली सफारी, एनिमेशन फिल्म थी, प्लस कलोना हो, सलामेश वगैरह जो भी मैंने बने, पटियाला हाउस। मुझे आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लगा कि जो 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 ये ट्रैक्स चेंज करने का जो हौसला या जो जो प्रभाव, वेदर इज करेज, मेरे सारे पेयर्स वही कर रहे हैं। आप सुजॉय घोष को लीजिए, तिग्मांशु धूलिया को लीजिए, अनुराग बासु को लीजिए, ऑल ऑल ऑल, मुझे ऐसा लगता है कि सारे जो डायरेक्टर्स हैं आर ट्राइंग टू चैलेंज देमसेल्व्स। और क्या आजकल के स्टूडियोज भी ये नहीं कह रहे कि आपको वही बनाना है। करेक्ट, सुजीत सरकार ने विकी डोनर बनाया। अगर पांच साल तीन साल पहले आप जाते स्टूडियो में जाके बोलते थे मुझे एक स्पर्म डोनर पे फिल्म बनाते, तो वो लोग आपको मतलब गेट आउट कर देते, गेट आउट, दे वुड नॉट एंटरटेन द कॉन्सेप्ट। करेक्ट, तो आई फील कि इट्स अ वंडरफुल टाइम फॉर अस टू ट्राई थिंग्स। और मुझे ये भी लगता है कि जिस तरह से आज की जो पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, दे आर सो नॉट विलिंग टू सिट बैक एंड टेक एनी आंसर। जब होते दे वांट आंसर्स टू द क्वेश्चंस दैट दे हैव, कि ये क्यों हुआ है, हम लोग इंडिया गेट के बाहर बैठे, आप आके हमें बताइए क्या ये सब क्यों हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो फिल्म की जो कहानी है कि व्हाई हैव वी नॉट डन एनीथिंग फॉर द लास्ट 20 इयर्स, व्हाई हैव अवी सो कंप्लेसेंट सिटिंग बैक एंड सेइंग कि द मोस्ट वांटेड मैन इन इंडिया जो है वो पाकिस्तान में है, हम लोग उसके बारे में कुछ कर नहीं रहे। तो इस फिल्म, तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू आंसर दोज क्वेश्चंस मे बी एंड टू मेक एन एक्शन थ्रिलर कीपिंग दैट इन माइंड। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी में, मतलब अच्छा स्टोरी मेरे हाथ में आया। मैंने कहा कि यार लेट्स ट्राई दिस, एंड मे बी लाइक आई सेड अर्लियर, थैंक्स टू कोमल नाहटा, व्हेन यू हैव नथिंग टू लूज इट सेट्स यू फ्री। और क्या मैं ये अज्यूम कर सकता हूं, आप दोनों से सवाल है कि क्योंकि ये ड्रेडेड डॉन की कहानी है, जैसा निखिल ने बताया कि हु इज इन पाकिस्तान एंड इंडिया इज डूइंग नथिंग टू गेट हिम, इतनी डरावनी फिल्म है इन दैट सेंस, नॉट अ हॉरर फिल्म, इसलिए तीन तीन चार चार प्रोड्यूसर्स की जरूरत पड़ी। Vivek, you want to answer that? No, please go ahead. Well, I can only tell you this, Komal ji, ki this is as a producer, MA Entertainment, this is our banner, and it's our first film. Nikhil is my childhood friend, and when he brought the script to us, I looked at him and I said that, are you serious? Because do you want us to continue to make films in the future or not? And, but you know, once we moved past that, I think it was, hamare khayal se, I think we are at a time where it's time to make a statement. And I completely, main Nikhil ke wo jo usne kaha hai, main bilkul sehmat hoon. I think, you know, we are very proud of the film we've made. Abhi log क्या समझना चाहते हैं, कौन है, क्या है, दैट इज लेफ्ट टू देयर इंटरप्रिटेशन। वी जस्ट थिंक दैट इट्स अ बोल्ड स्टेटमेंट, एंड आई थिंक दैट इंडियन सिनेमा जो है वो इस दौर से गुजर रही है कि पीपल वांट टू सी रियलिस्टिक स्टफ, पीपल वांट यू टू टेक अ स्टेटमेंट। आई थिंक इट्स वेरी इंस्पिरेशनल ऑल्सो, एंड आई थिंक यू नो द यूथ इज गोइंग टू सेट अप एंड से दैट आई थिंक दिस इज अ फिल्म दैट मेक्स अस प्राउड। ओह, दैट्स वेरी नाइस। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मीडिया के लिए निखिल अडवाणी और आप लोगों ने जो एक इवेंट रखा था जहां पर
15 मिनट का ऑडियो विजुअल, 15 मिनट के क्लिपिंग्स दिखाए थे. आई थिंक इट हैज हैड सच अ फैंटास्टिक इंपैक्ट. सडनली उस स्क्रीनिंग के बाद दिस इज बिकम अ हॉटली डिबेटेड एंड हॉटली डिस्कस्ड फिल्म इन मीडिया सर्कल्स एटलीस्ट. एंड मेरे ख्याल से उसकी वजह से अब पब्लिक में भी बहुत ज्यादा उत्सुकता है ये फिल्म देखने की. मुझे ये बताइए विवेक जी, दार मोशन पिक्चर्स, ये दो तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, आप भी चाइल्डहुड फ्रेंड हैं या दार मोशन पिक्चर्स कैसे आया पिक्चर में? नहीं, हम लोग 4-5 पिक्चर कर चुके थे निखिल के साथ. एक्चुअली पहली जब मुलाकात हुई थी कोई और पिक्चर के लिए हुई थी, एंड एज अ वन लाइनर ही जस्ट मेंशन कि आई एम वर्किंग ऑन समथिंग called D-Day and this is the basic concept of it, and we fell in love with it. Arun and myself, Arun was the chairman of our company, we kind of fell in love with it, and we asked Nikhil ki aap bataiye kya hai story, and then he did a narration, and I think halfway through the narration we just walked out of the room and we just said we have to do this film. So we came back and said we are on. So pura bhi humne sune nahi the, and we said we have to do it. As Nikhil and Madhu have rightly said, it makes a statement. It makes a statement to Indians about what they can expect and what they should be expecting. And it's a fantastic film, and it's kind of the way it has shaped up, it kind of bones the fact. How difficult was it to get the stars on board? Because ye ek bold film hai, jaisa aap logon ne kaha ki bold statement hai. To Rishi Kapoor, khas kar Rishi Kapoor ko convince karna to play this kind of a role, kitna mushkil tha ya kitna aasan tha? I think Madhu should answer that. Well, all I can tell you is when I met Rishi Kapoor for the first time, I went with this image of Monty from Karz in my head. Achha, toh Nikhil nahi gaye the saath mein? Pehle already mil chuke the. Okay. So I've been a huge fan of Rishi Kapoor's. And, Who hasn't? Absolutely. And firstly, he's such a warm person, and he is so inspirational. When we spoke to him, Nikhil approached him with the character of Ashwini. Nasir sir plays the head of RAW. And he said, yeah, Nikhil, kuch aur challenging. Mujhe Gene Hackman, John Voight ka role nahi karna hai. So then when we spoke to him, you know, what was so fantastic about him, Komalji, was that he was so open. You know, when Nikhil told him that this is what I have in mind, you know, how about playing the antagonist role? So he was a bit, you know, cautious at first. He said, yaar, negative, abhi maine Agnipath kari hai. So Nikhil said, in fact, that's the reason that we want you to go into that area. We did a look test, and I think the rest is history. I mean, wo itna jach rahe the in that whole get-up, that I think when he himself saw his own photographs, unhone ka, yaar, ye toh main iske liye bana hoon. So it was fantastic, you know, and he has just let loose. Matlab bahut zyada convince nahi karna pada unhe. Nahi, I don't think so, not at all. In fact, I think he is a huge fan of Nikhil's. I mean, hum unke fan hain. He loves him. And Achha, Nikhil, aapki kaun si film unko pasand hai? Patiala House. No, it's a funny thing. I can't abuse, but I'll tell you. Usne Chandni Chowk ka trailer dekha. Usne bola, yaar, maine sabko jaake bola ki ye toh Shole hai. ट्रेलर प्रोमो देख के मैंने सबको बोला ये फिल्म शोले है, ये लड़का ने शोले बनाया. फिर मैंने पिक्चर देखा, यू मेड मी लुक लाइक अ फूल. विवेक जी मुझे ये बताइए, दार मोशन पिक्चर्स ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स कभी कभी खरीदता है फिल्मों के, एंड इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन आउटफिट्स, आप लोगों ने डी डे के ऑल इंडिया राइट्स वेव सिनेमास को बेच दिए हैं. तो ये कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, एंड डज दिस सेंड अ सिग्नल कि आप हेज कर रहे हैं अपना रिस्क? हाउ डज इट वर्क? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट. एज आई वुड लाइक टू पुट इट कि ऑफर अच्छी थी, इट वाज अ गुड ऑफर दैट वी कुड नॉट रिफ्यूज, एंड अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश. Not exactly. I think it worked for the economics of the film. It worked as partners. Wave has got great distribution capabilities. So talmel achhi thi, and we kind of decided to go along with that. They've done great distribution before also, and it worked perfectly for this film. So costing kya hai is film ki, how much money has gone into the making of this film? Action filmo mein generally thoda zyada paisa lagta hai because action takes longer to shoot. Right. So what kind of, and we shot in different places also. Okay. In Ahmedabad and Kutch. It's a good point aapne pucha Komal ki action films take longer. Jab maine script khatam kiya, we were getting into the MA Entertainment was getting into this film. This was their first film. Correct. So humne decided ki we'll talk to different executive producers, bring EPs on board. So 2-3 EPs ke baad ki we gave them the script, and they all came back saying ki ye picture 100 din ke zyada schedule 100 din ke schedule se kam nahi ban sakti. Minimum 100 din to chahiye hi, minimum 100 days chahiye. Madhu did the budget, and Madhu came back to me and said ki you have 65.
वो भी बहुत झगड़ के यू हैव 65 डेज टू शूट, मतलब 100 दिन की शूटिंग जो ईपीज ने कहा वो 65 को आपके पास पैसे हैं ओनली 65 डेज के लिए, यू हैव टू बिकॉज इफ यू वांट दिस काइंड ऑफ अ सेटअप, आपको ये एक्टर्स चाहिए, आपको टॉम स्ट्रथर्स हॉलीवुड से चाहिए, देन यू हैव 65 डेज टू शूट, क्योंकि उससे उससे वी डोंट हैव द मनी आफ्टर दैट. वी फिनिश्ड इट इन 64 डेज. क्या बात है, मतलब 100 डेज 65 डेज एंड अल्टीमेटली 64 डेज. बिल्कुल. तो इसका क्रेडिट श्रेय किसको देंगे आप, एक्टर्स को, हॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर को, या अपने आप को? नहीं बिल्कुल, द एंटायर टीम, द प्रोडक्शन, द एंटायर टीम, प्रोडक्शन, लोकेशन, वी हैव गॉन सिक्स आवर्स ट्रैवलिंग फॉर 7 डेज, नोबडी स्लीपिंग. जिस तरह से काम कर रहे थे, मैं कभी कभी आता था इन माई माइंड 50 शॉट है आज, जिस तरह से कैमरा मैन तुषार कांति रहे, वी हैव शॉट विद लो लाइट, नो लाइट, वी हैव डन एवरी थिंग इन दिस फिल्म, बट किस द यूनिट from the production to the direction department to the location, everybody has, and the actors also, actors. I think unhone they have been unke so cooperation bina to kuch possible hi nahi hai, they have been so accommodative. I will tell you, jab hum dasada mein shoot kar rahe the, I was so nervous kyunki wahan pe matlab there are no hotels as such wahan pe, you have a small sort of a guest house or like a farmhouse type of place which has been converted where you have these little tent type of places. I was so worried, main soch rahi thi ki Rishi Kapoor ji ये यहाँ पे सोएंगे कैसे, मतलब विल दे बी ओके, नॉट अ वर्ड. 3-3 बजे उठ के सुबह, बिकॉज एट द क्रैक ऑफ डॉन दे वांटेड टू कैच वो पहली जो किरण. तो इसे तो तालमेल कहते हैं. आप डर रही थी कि ऋषि कपूर कैसे सोएंगे, निखिल ने बोला सोने ही नहीं देते तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगा. बिल्कुल नहीं, बट एवरीबडी, इरफान हो, अर्जुन हो, द एक्ट्रेसेस, सबने आई थिंक इट्स इसका श्रेय आई थिंक गोज टू द होल टीम, एवरीबडी, वेदर इट इज लाइक निखिल सेड, वेदर इट्स द प्रोडक्शन टीम, कुछ भी अगर मतलब इफ एनीथिंग वेंट रॉन्ग, दे वर स्टैंडिंग देयर ऑल नाइट टू मेक श्योर कि सुबह कि पहली जो शॉट है वो टाइम पे जाएगी, लास्ट शॉट द डायरेक्शन टीम, दे हैव बर्नड द मिडनाइट ऑयल, सो द क्रेडिट गोज टू द होल टीम. विवेक जी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि रमजान के एक महीने के पीरियड में लोग कतराते हैं, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्टार्स भी बहुत डरते हैं कि अपनी फिल्म उस पीरियड में नहीं आनी चाहिए, बिकॉज इट इज बिलीव्ड दैट कलेक्शंस आर लो ड्यूरिंग दैट पीरियड, डिवाउट मुस्लिम्स डोंट गो टू द सिनेमाज. आप लोगों ने कैसे डिसीजन लिया टू गेट योर फिल्म ड्यूरिंग रमजान? आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, अगर क्वालिटी फिल्म बने, आई थिंक लास्ट कपल ऑफ ईयर्स इट वॉज बोर्न बाय द फैक्ट, पीपल लोग बोलते थे कि अगर मार्च में करेंगे तो पिक्चर नहीं चले, एग्जामिनेशन है, रमजान है, IPL है एंड ऑल, बट आई बिलीव, फर्मली बिलीव दैट इफ यू हैव अ क्वालिटी प्रोडक्ट, the movie will work irrespective of whether there's a festival or there's examination and all. It might take some time for the recoveries to happen, but it'll certainly happen. So hame kabhi koi shak nahi tha ki of course there's a good quality product coming out, and we just wanted to look at a proper date which would give us a good run for the film to kind of accomplish the numbers that we expect. So wo ramzan hamare dimag mein kabhi aaya nahi tha. Of course main dhyan mein to tha, magar that was never a factor, it was never a deterrent to kind of take a call. Okay. और आपने जो कहा कि हॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर को आपने बुलाया, आपको सीरियसली लगता है कि इंडिया में एक्शन डायरेक्टर्स इतने कामयाब या इतने टैलेंटेड नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है. इनफैक्ट इस फिल्म में जो इंडियन एक्शन डायरेक्टर है, उनका नाम है गुरु बच्चन जी, ही इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर एक्शन डायरेक्टर्स इन द इंडस्ट्री, और बहुत ही लाजवाब उनका जो थॉमस राठौर जो गुरु बच्चन का जो collaboration, because one cannot speak English and the other cannot speak Hindi, one speaks only Punjabi and the other speaks English in an Australian Irish accent. Kamal ka unka ye tha, but mujhe I wanted Tom Struthers to come, kyunki the kind of action in the film, which is the hand to hand combat, I wanted to make it look very very real. Kya the problem with the action directors in India, Komal ji, is that as directors we have spoiled them. We have never allowed them to do to look at a scene and devise to choreograph the action. So jab wo log aate, they feel ki we only want to imitate the West. Okay. Because unko lagta hai ki ye directors ko yahi chahiye. To wo log aate references ki ye film ka, uske film ka, is film ka, uske this kind of film. But in the case of Tom Struthers, he read the script. Usne dhyan diya characters pe. Us to jab agar Arjun Rampal ko चोट लगती है फिल्म में, आपको चोट लगेगी, यू विल फील द पेन इन द फिल्म, एंड ही इज गॉन टू दैट लेवल ऑफ डिटेलिंग इन द फिल्म, एंड दैट इज समथिंग आफ्टर द 10th डे ऑफ शूटिंग गुरु बच्चन अंडरस्टूड दैट.
तो लॉट्स ऑफ द इनपुट ऑन दिस फिल्म इज वेरी रॉ फ्रॉम गुरु बच्चन साइड. एंड नो ऑफेंस मेंट निखिल, ऐसा देखा जाता है कि अगर आपकी एक या दो फिल्में नहीं चलती है तो फिर स्टार्स डरते हैं आपके साथ फिल्म बनाने के लिए, अलग अलग एक्सक्यूजेस बनाते हैं. बट इन दैट सेंस यू बीन वेरी लकी. ऑफकोर्स यू हैव अ कल होना हो विच वॉज अ ह्यूज हिट, बट आफ्टर दैट अ कपल ऑफ फिल्म्स डिड नॉट वर्क एट द बॉक्स ऑफिस. हाउ डू यू यूज योर चार्म? I don't know. You're right. I don't know. Komal ji, considering that two, three of my films have not worked, I'm still sitting opposite you. You're dear to me. I'm very charming. We are very good friends, and that's why we are here. I'm here. Nahin, I think ki kya hai ki at the end of the Salim saab told me a very interesting thing. Salim Khan saab told me a very interesting thing that a great marksman misses the target by a few inches. So true. You know, तो मुझे नहीं पता. Maybe the somewhere the script failed. Like I said in Chandni Chode Chana, I was wrong for the project. I should not have been directed. मैंने past में I have made decisions about the projects I have done, which may not have been true to the film. I was doing it for other reasons. Survival हो, ये हो, वो हो. But with Delhi Safari, I think a lot changed. Actually, with Patiala was for me a lot changed. I wish the film. Every time people have seen the film in the television, they've come and said, "Kamal ki film. Akshay Kumar's performance is superb." Correct. We didn't know it was this good. Correct. So I don't know what happened with regards to that. Maybe because Akshay had three consecutive films that did not work, and the fourth film was Patiala. Correct. The timing, I think. वो दौर उनका face भी बहुत was a little shaky. Mm-hmm. You know. But with Delhi Safari and DDA, in the case of DDA, once again, इस फिल्म में the cast जो है ऋषि कपूर, इरफान खान, अर्जुन रामपाल. द रीजन मैंने अर्जुन रामपाल इरफान खान को लिया है क्योंकि मैं ये चाहता था कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, आई डोंट वॉन्ट टू टेक एन एक्टर जो मुझे बोलेगा मैं ये लाइन नहीं कह सकता क्योंकि मेरा इमेज या मेरे फैंस विल नॉट अलाउ मी टू से दिस कैरेक्टर. मुझे इसको बदल, बिकॉज देयर आर वेरी वेरी बॉम्बास्टिक लाइंस. इट्स प्रोवोकेटिव, इट्स इन्फ्लेमेटरी, इट्स रियल. यू नो, एक लाइन है फिल्म में जहां पे इरफान बोलता है कि हिंदुस्तान ने हमें हराम के कुत्ते की तरह फेंक दिया. नाउ वो लाइन नहीं था स्क्रिप्ट में, नहीं था वो a watered down version of that line. जब इरफान ने पढ़ा, he said, यार निखिल is not powerful enough. मुझे ये बोलना है. मैंने सोचा कि यार क्या बोलूं क्या नहीं, मुझे क्या क्या. But I said, okay, do it. It's one of the most powerful lines in the film. And it because you see this man, जो मतलब पिछले 10 साल से, you know, is इतना बड़ा देशभक्त है, and he's feeling a little betrayed at this point. And so that is the reason why we've cast the film like this. And luckily for us, Irfan's Pan Singh Tomar worked, ye vagera vagera. So yeah, everything fell into place. Yeah, yeah. Exactly. Ye to director hai film ke. Aap dono se poochunga because you all are just producers. In the sense, you all are not on the creative side. Kahin the thought crossed your mind ki problem ho sakta hai ye film ke release par because of such inflammatory dialogues, such a bold theme. Kisi corner se kuch telephone aa sakta hai, kuch problem ho sakti hai. The smile. I think आपके जो सवाल हैं जायज हैं. I said to you, जब मैंने पहले ये जो when you asked him, तो मैंने उसको पहले कहा निखिल से कि मेरे ख्याल से कुछ और कुछ नहीं, सिक्योरिटी का कॉस्ट बढ़ाना पड़ेगा. So, नहीं, बट आई थिंक यू नो आई मीन दोज थिंग्स आर देयर एट द बैक ऑफ योर माइंड. और आप पढ़ते हो कि लोग अपने फिल्मों में नाम बदल देते हैं वगैरह वगैरह. सो ऑफकोर्स यू नो वी थॉट अबाउट इट, बट आई थिंक we are very clearly saying ki this is a character which has been inspired from a lot of films, lot of characters. At the end of the day, we have made an entertaining film. Vivek ji, you'd like to add anything more? No, she rightly said shuru mein thodi si hui thi ki chale nahi chale, in the sense ki what will people kind of perceive it to be, but as you said, she's rightly said jab shuru ho gaya to just went in a blur, wo pata nahi chala. Shooting khatam, edit chalu, and then the movie is right in front of you. It's a couple of weeks, a few days it'll release. So, wo bas ek process tha aur chali gayi. Mane, nothing that came to our mind post that. Chaliye. Let's just hope that the public also likes the film as much as the media has liked those 15-minute excerpts. Here's wishing you all the very best for your first venture and your collaborative venture. Thank you so much for being on the show. Thank you.
दोस्तों मेरा सोचना है कि हर फिल्म अपने डिस्ट्रीब्यूटर को खुद चुनती है. इस फिल्म के ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स वेव सिनेमास को दिए गए हैं, शायद इसलिए बिकॉज दिस फिल्म इज डेस्टिन्ड टू क्रिएट वेव्स एट द बॉक्स ऑफिस. और इसके ओवरसीज राइट्स इज विद यशराज फिल्म्स, शायद इसलिए क्योंकि इस फिल्म के बाद निखिल अडवाणी को बहुत यश मिलेगा. दोस्तों यू नो द डे, इट्स 19th जुलाई, द फिल्म इज डी डे. आज के लिए बस इतना ही.